नाजरीन आदाब, अवाम उर्दू न्यूज बुलेटिन में आप तमाम का इस्तकबाल है। मरकजी जमात इस्लामी हिंद की हिदायत पर जमात इस्लामी हिंद भैंसा के जिम्मेदारान ने आज जुमा के मौके पर भैंसा के मसाजिद में नुमाइश मैदान में आग भड़क उठने पर तमाम दुकान जलकर खाक हुए। मुतासरीन का दुकान के लिए माली इमदाद का ऐलान करवाया, जिस पर भैंसा के अवाम ने भरपूर ताउन किया। भैंसा जमात इस्लामी हिंद जिम्मेदारान सैयद सलील अख्तर अशरफ अली ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हल्के की हिदायत के मुताबिक भैंसे की तमाम मसाजिद में शोबे खिदमत अखब की जानिब से परसों रात हुए नुमाइश ग्राउंड पर आज जिंदगी के मुतासरीन के लिए इमदाद जमा की गई। हल्के से हमें सर्कुलर इस बात का आया था कि जो लोग मुतासर हुए हैं आग से उनकी फौरी मदद की ज़रूरत है। वैसे लाखों करोड़ों में नुकसान हुआ है, लेकिन अब फिलहाल उनके पास, चूँकि वो लोग दूसरी रियासत से आए हुए हैं तो उनके पास खाने पहनने वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, तो फौरी मदद के तौर पे हमको कहा गया था। इसके लिए हमने भैंसे की जुमला मसाजिद में अपील लिखी थी और हमारे मौजूदीन और इमामों से पढ़ाया था। तमाम ने इस बात के लिए ताउन भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह पैसे जमा हो रहे हैं, जो भी जमा होंगे हम फौरी यहाँ से ऑनलाइन हल्के को भेज देंगे। मुस्तहर भैंसा के मारवाड़ी गली में एक मुखफल मकान में सरखे की वारदात अंजाम पाई, जिस पर पड़ोस के लोगों ने महकमे पुलिस को इसकी इत्तला दी। महकमे पुलिस ने मुकाम वारदात पहुंचकर पंचनामा किया और केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज किया। मधुर मंडल के चिंचला देहात में हरिनामा सप्ताह के अख्तिताम पर एक रैली निकाली गई। बाद अज़ां ताम का नज़्म किया गया। Thank you.
अवाम उर्दू न्यूज बुलेटिन यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। इजाजत दीजिए अशफाक अहमद को।